हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओडिशा स्टेट से रिलेटेड जीके। तो चलिए सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया के मैप में ओडिशा का लोकेशन क्या है। ये है ओडिशा का मैप। कैपिटल भुवनेश्वर है। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। रीजन यानी कि उड़ीसा जो है ये किस क्षेत्र में आता है, तो ईस्टर्न इंडिया में आता है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 30। सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, भुवनेश्वर। उड़ीसा डे कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। अब देखेंगे सिंबल्स ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट के क्या क्या सिंबल्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। स्टेट सॉन्ग बंदे उत्कला जनानी, स्टेट डांस ओडिसी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उड़िया। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर। स्टेट फ्लावर अशोका। स्टेट ट्री अश्वथा पीपल। स्टेट एनिमल संबर डीर। स्टेट फ्रूट क्या है, मैंगो। स्टेट फूड क्या है, पखाला। स्टेट स्वीट है, रसगुल्ला। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओडिशा शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स। ओडिशा अपने बॉर्डर को कितने स्टेट के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे आप मैप में देख के बता सकते हैं, कोशिश कीजिए। आंसर क्या होगा, बी 4 स्टेट्स। कौन कौन से हैं आपको नाम भी पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। इन 4 राज्यों के साथ ओडिशा अपने स्टेट बॉर्डर को शेयर करता है। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि कौन सा स्टेट ओडिशा को किस साइड से टच करता है, तो ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप देख लीजिएगा। विच रीजन ऑफ ओडिशा इज मेंशनड इन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रगान में ओडिशा के किस क्षेत्र का उल्लेख है, तो आंसर क्या होगा, बी उत्कल। इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन। इसमें ओडिशा के उत्कल रीजन को मेंशन किया गया है। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ ओडिशा फॉर्म्ड। अब आप बताइए ओडिशा राज्य का गठन कब हुआ। करेक्ट आंसर होगा ए 1 अप्रैल 1936 में। विच इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। करेक्ट आंसर है डी भुवनेश्वर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ओडिशा। ओडिशा स्टेट का टोटल एरिया कितना है, करेक्ट आंसर है बी 155,707 किलोमीटर स्क्वायर। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन ओडिशा। ओडिशा में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, करेक्ट आंसर है बी 30। वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा लोकेटेड। ओडिशा का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर होगा सी कटक। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओडिशा स्टेट। ओडिशा स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, करेक्ट आंसर है सी उड़िया। विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा। राइट आंसर है डी सांबर डीर। विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ ओडिशा। करेक्ट आंसर इज ए इंडियन रोलर। विच इज द स्टेट ट्री ऑफ ओडिशा। करेक्ट आंसर होगा डी अश्वथा पीपल। विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ ओडिशा। राइट आंसर इज ए अशोका।
व्हाट इज द स्टेट डांस ऑफ ओडिशा? ओडिशा का स्टेट डांस क्या है? राइट आंसर होगा डी ओडिसी। हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज बी हरे कृष्ण महताब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ओडिशा के पहले सीएम कौन थे? कृष्णा चंद्र गजापति। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत आज़ाद होने के बाद ओडिशा के पहले सीएम बने थे हरे कृष्ण महताब। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में मेंशन करके पूछता है कि ओडिशा के पहले सीएम कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और या फिर पूछ लेगा बिफोर इंडिपेंडेंस। हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा? ओडिशा के पहले राज्यपाल कौन है? करेक्ट आंसर इज सी कैलाश नाथ कटजू। इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर 1947 में कैलाश नाथ कटजू ओडिशा के फर्स्ट गवर्नर बने थे। ब्रिटिश इंडिया में सर जॉन ऑस्टेन हबैक थे। टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स आर इन ओडिशा? ओडिशा में विधानसभा की सीट टोटल कितनी है? करेक्ट आंसर होगा ए 147। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजिस्लेचर यूनिकैमरल 147 सीट है, लोकसभा की 21 सीट है, राज्यसभा सीट है 10। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ ओडिशा इन 2023? 2023 में ओडिशा का लिटरेसी रेट क्या है? राइट आंसर विल बी सी 72.87%। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा? ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है डी महानदी। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ ओडिशा? ओडिशा के प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है? करेक्ट आंसर है सी गणेशी लाल। करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ओडिशा के अभी सीएम कौन है? राइट आंसर है ए नवीन पटनायक। हाउ मेनी नेशनल पार्क आर इन ओडिशा? ओडिशा में कितने नेशनल पार्क हैं? राइट आंसर है ए 2। तो यहाँ पे नेशनल पार्क का नाम क्या है, ओडिशा के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तीनों हमने मेंशन कर दिया है, तो देख लीजिए। पहला है भीतरकनिका नेशनल पार्क जो केंद्रपाड़ा 1988 में बनाया गया था। सेकेंड है सिमलीपाल नेशनल पार्क जो मयूरभंज में लोकेटेड है, 1980 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन ओडिशा? ओडिशा में टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? करेक्ट आंसर इज बी 21। तो यहाँ पे मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नेम, प्लेस और ईयर तीनों मेंशन कर दिया है। वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ओडिशा? ओडिशा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर इज डी भुवनेश्वर। व्हाट इज द स्टेट फ्रूट ऑफ ओडिशा? राइट आंसर इज ए मैंगो। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट? ओडिशा हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे?
आंसर इज ए जस्टिस बीरा किशोर रे। हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। ओडिशा हाई कोर्ट के करेंट चीफ जस्टिस कौन है? राइट आंसर होगा सी जस्टिस एस मुरलीधर। बीजू पटनायक एयरपोर्ट इज प्रेजेंट इन विच सिटी ऑफ ओडिशा। ओडिशा के किस शहर में बीजू पटनायक एयरपोर्ट स्थित है? राइट आंसर है डी भुवनेश्वर। विच स्टेट सेलिब्रेट्स उत्कल दिवस ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को कौन सा राज्य उत्कल दिवस मनाता है? आंसर है बी ओडिशा। जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ ओडिशा। ओडिशा के किस शहर में जगन्नाथ टेम्पल है? राइट आंसर इज ए पुरी। चिल्का लेक इज प्रेजेंट इन विच सिटी ऑफ ओडिशा। चिल्का लेक किस शहर में मौजूद है ओडिशा के? राइट आंसर होगा बी पुरी। हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ ओडिशा। ओडिशा के किस शहर में हीराकुंड बांध स्थित है? राइट आंसर होगा सी संबलपुर। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर उड़िया लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़िया लैंग्वेज के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे नेम दिया गया है ए बी सी और डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी गोपीनाथ महंती। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति कौन थे? करेक्ट आंसर इज बी वी गिरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरी जी जो है इन्हें भारत रत्न 1975 में मिला था। ये इंडिया के फोर्थ प्रेसिडेंट थे 1969 से 74 तक। तो ये भारत के चौथे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है 1975 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल डिवीजन लोकेटेड। सेंट्रल डिवीजन का हेडक्वार्टर कटक में लोकेटेड है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ ओडिशा बिफोर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से पहले ओडिशा की राजधानी कौन सी थी? सही आंसर है ए कटक। हु रोट द महाभारत इन उड़िया लैंग्वेज। महाभारत को उड़िया लैंग्वेज में किसने लिखा था? नेम इज डी सरला दास। वट टाइप ऑफ लेजिस्लेचर इज द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। ओडिशा विधानसभा किस टाइप की विधायिका है? तो आंसर क्या होगा? हमने स्टार्टिंग में बताया था कितने सीट है लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के। तो वहाँ पे भी मेंशन किया था कि ओडिशा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द ओडिया मूवी फूला चंदना। उड़िया फिल्म है फूला चंदना, इसके डायरेक्टर कौन है? तो आंसर क्या होगा? ए मोहम्मद मोहसिन। उड़िया मूवी फूला चंदन जो रिलीज्ड हुई थी 1982 में, डायरेक्टर का नेम है मोहम्मद मोहसिन। तो याद रखिएगा। व्हेन वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ द स्टेट चेंज्ड फ्रॉम ओरिया टू ओडिशा। देखिए राज्य का, स्टेट का नेम ऑफिशियली कब चेंज किया गया था उड़ीसा से ओडिशा? आंसर होगा ए 2011 में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
नेक्स्ट वीडियो किस स्टेट पे होनी चाहिए कमेंट में लिख के बताइए।